तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल की स्मैकडाउन यानी कि 13 दिसंबर की स्मैकडाउन में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा यानी कि कल की स्मैकडाउन का हिंदी प्रीव्यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG गाइस कल की स्मैकडाउन काफी धमाकेदार होने वाली है क्योंकि कल की स्मैकडाउन रहेगी TLC से पहले की आखिरी स्मैकडाउन। ऐसे में कई मैचेस जो कि बिल्ड नहीं हुए उनका बिल्डअप कल आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली थिंग जो कि कल की स्मैकडाउन में हम लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी बिग डॉग रोमन रेंस की एंट्री। तो रोमन रेंस दोस्तों कल एरिना में आएंगे जहां आधे ही सार दोस्तों वो कॉल्ड आउट करेंगे किंग कॉर्बिन और डॉल्फ ज़िगलर को, लेकिन दोस्तों हमें वहां कोई भी रिएक्शन उन दोनों की तरफ से देखने को नहीं मिलने वाला, जिसके बाद रोमन रेंस हंट को निकल जाएंगे और सेगमेंट हो जाएगा खत्म। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी थिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी अलेक्सा ब्लिस एंड निकी क्रॉस वर्सेस फायर एंड डिजायर के मध्य एक टैग टीम मैच। तो बीती स्मैकडाउन के अंदर हमने अलेक्सा ब्लिस को मैंडी रोज को फेस करते हुए देखा था, लेकिन दोस्तों इस बार की स्मैकडाउन में हमें इन दोनों टीम्स के मध्य एक प्रॉपर मैच देखने को मिल सकता है जिसके अंदर अलेक्सा और आपकी निकी क्रॉस विजय रह सकती है। बात कर ली जाए उसके बाद क्या कुछ होना है, तो गाइस उसके बाद जो अगली चीज आप लोगों को देखने को मिलने वाली है वो रहने वाली है द रिवाइवल और द न्यू डे का फेस ऑफ। द रिवाइवल दोस्तों बीते हफ्ते हमें नंबर वन कंटेंडर बनते हुए नजर आए, अब दोस्तों उनकी फाइट मानी जा रही है TLC में द न्यू डे के खिलाफ और ये कोई आम मैच नहीं होने वाला है, ये होने वाला है WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। तो ऐसे में दोस्तों दोनों टीम्स के मध्य एक फेस ऑफ बनता है। अब बात की जाए फेस ऑफ की, तो इस फेस ऑफ के अंदर ये चीज देखने को मिल सकती है कि दोनों टीम्स के एक एक मेंबर के मध्य हमें वन ऑन वन मैच भी देखने को मिल जाए। बात करी जाए उसके बाद क्या कुछ होगा, तो गाइस उसके बाद जो अगली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी ड्रेक मैवरिक का सेगमेंट। तो ड्रेक मैवरिक अलायस और डेना ब्रुक के मध्य हमें एक और सेगमेंट देखने को मिल सकता है जहां फिर से दोस्तों ड्रेक मैवरिक कोशिश कर सकते हैं डेना ब्रुक को पटाने की, लेकिन इस बार फिर से उनकी अलायस पिटाई कर सकते हैं। बात करी जाए उसके बाद क्या कुछ होगा, तो गाइस उसके बाद जो अगली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी शेमस का बैकस्टेज प्रोमो। तो शेमस दोस्तों बार बार प्रोमो पर प्रोमो काटे ही जा रहे हैं, दो हफ्ते से दोस्तों हमने उन्हें एक लाल सी जगह में देखा है जहां दोस्तों वो एक वियर्ड सा प्रोमो काटते हैं जिसमें सारी थिंग सेम रहती है कि वो आने वाले हैं और जो कमजोर रोस्टर है उसे तोड़ने वाले हैं। इस बार फिर से दोस्तों ये चीज हमें देखने को मिलेगी क्योंकि TLC से पहले उनके रिटर्न के यानी कि इनरिंग रिटर्न के चांसेस बेहद कम है। हाँ, अगर इनरिंग रिटर्न हो जाता है तो वो प्रोबेबली मुस्तफा अली या फिर चैड गेबल को फेस कर सकते हैं। बात करी जाए उसके बाद क्या कुछ होगा, तो गाइस उसके बाद जो अगली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी लेसी इवंस और बेली के मध्य एक सेगमेंट। तो गाइस लेसी इवंस की हमने बीती स्मैकडाउन में पिटाई होते हुए देखी जहां दोस्तों साशा बैंक्स और बेली ने उन्हें खूब कूटा। इस बार दोस्तों हमें चीज देखने को मिल सकती है कि फिर से वहां बेली और साशा उन्हें पीटने आ जाए, लेकिन मदद मिल जाए कार्मेला की और उसके बाद दोनों टीम्स के मध्य एक मैच हो जहां दोस्तों लेसी इवंस पिन कर दे बेली की, जिसके साथ वो बन जाए नंबर वन कंटेंडर फॉर द WWE वुमेन्स चैंपियनशिप। तो हाँ, ये एंगल देखने को मिल सकता है और लेसी इवंस और बेली के मध्य हमें केमिस्ट्री लग भी रही है। बात कर ली जाए उसके बाद क्या कुछ होगा, तो गाइस उसके बाद जो अगली थिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस ये रहने वाला है द मीज और फिंड ब्रे वाइट के मध्य। यहां दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलेगी, सबसे पहले दोस्तों द मीज आएंगे और एक तरीके से कॉल आउट करेंगे वहां फिंड ब्रे वाइट को, लेकिन फिंड ब्रे वाइट आपको वहां आते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। वहां दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिल सकती है कि फिर से दोस्तों द मीज उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके कमरे में जाएंगे और इस बारी दोस्तों आपको द फिंड यानी कि ब्रे वाइट पिटते हुए नजर आ सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये चीज कैसे पॉसिबल है, चूंकि दोस्तों फिंड ब्रे वाइट की फाइट नहीं होने वाली है द मीज के खिलाफ, वो जो शरीफ वाला ब्रे वाइट है वो लड़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों द मीज TLC से पहले उस शरीफ वाले ब्रे वाइट की पिटाई कर सकता है और लोगों के मन में एक होप जगा सकता है। लेकिन अब बात कर ली जाए मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग ही कल की स्मैकडाउन का हाईलाइट रील रहने वाला है क्योंकि वो रहेगा बिग डॉग रोमन रेंस का। रोमन रेंस दोस्तों इस सेगमेंट के अंदर हमें शुरुआत में देखने को नहीं मिलेंगे जहां सबसे पहले किंग कॉर्बिन और डॉल्फ ज़िगलर की एक बेहतरीन एंट्री होगी।
वहां दोस्तों किंग कॉर्बिन आएंगे, उनके साथ डॉल्फ ज़िगलर होंगे और एक प्रोमो वो काटने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले दोस्तों हमें वो क्लिप्स दिखाई जाएगी बीते हफ्ते की जहां वो डॉग फूड फेंके थे रोमन रेंस के ऊपर, जहां दोस्तों ये चीज देखने को मिलेगी कि दोनों काफी ज्यादा उपहास उड़ा रहे होंगे कि तभी दोस्तों वहां थीम बच जाएगा रोमन रेंस का। रोमन रेंस को देखकर दोस्तों उनकी सिट्टी पिट्टी गुम होने वाले है। इस बारी की स्मैकडाउन में दोस्तों हमें ये एंगल देखने को मिल सकता है कि रोमन रेंस वहां चेयर के सहारे दोनों की गंदे वाली पिटाई कर दे, जहां दोस्तों किंग कॉर्बिन अपने मित्र यानी कि डॉल्फ ज़िगलर को छोड़कर चले जाए, जिसके बाद रोमन रेंस लगाए उन्हें बैरिकेड के ऊपर स्पीयर और उसके बाद एक तरीके से कर दे उन्हें इंजर्ड। अब गाइस स्मैकडाउन का अंत इस तरीके से हो सकता है कि किंग कॉर्बिन रैंप के ऊपर से डर के मारे उन्हें देख रहे हो और रोमन रेंस भी उनकी आंखों में झांक रहे हो और स्ट्रेचर के ऊपर से डॉल्फ ज़िगलर को ले जाया जा रहा हो। सिंस दोस्तों टीएलसी के अंदर इनकी फाइट कंफर्म्ड है और एक टीएलसी मैच है, तो ऐसे में दोस्तों रोमन रेंस और किंग कॉर्बिन का फाइनल शोडाउन प्रॉपर तरीके से आपको यहां देखने को नहीं मिलने वाला। एक तरीके का टीज डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां छोड़ेगी, एक तरीके की कसक दोस्तों आपके मन में रहेगी कि किंग कॉर्बिन पूरे तरीके से क्यों नहीं पिटे। हाँ, डॉल्फ ज़िगलर दोस्तों कल की स्मैकडाउन में बुरे तरीके से पिटने वाला है। बट गाइज आज की वीडियो इतनी थी, तो अगर आपको इस वीडियो का कोई भी अंश पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।